इस कुष्ठ रोग की दवा ले आए हैं, क्योंकि पिताजी इस बीमारी से जो मैंने कष्ट सहे हैं, पिताजी हमारे दिल पर क्या गुजरती है ये मैं ही जानती हूँ। समाज हमें कितना दुत्कारता है, समाज हमें पसंद भी नहीं करता है पिताजी, और हम भी बड़े हो गए हैं पिताजी। आप सब जानते हैं कि घर में कितने रिश्ते आए हैं, लेकिन सारे रिश्ते इस बीमारी की वजह से जो हमें कुष्ठ रोग हुआ है उसकी वजह से सारे रिश्ते अपने आप ही वापस हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है, तो क्यों ना पिताजी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप संत रविदास जी जो आए हैं, आप उनसे थोड़ा हमारे लिए दवाई लेके आए। क्या आपको पता है बेटी, जो संत रविदास जी हैं वो किस जाति से हैं? क्या आपको पता है कि वही एक अछूत जाति से आते हैं, एक चमार जाति से आते हैं, और आपको तो पता ही है हम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप हमसे बोलती हो कि उनके यहाँ पे चले जाए। लेकिन पिताजी संत की कोई जाति नहीं होती, पिताजी आप कहाँ भूल गई ये बात। पिताजी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरी इस बीमारी का एक ही उपाय है कि आप संत रविदास जी के यहाँ जाएं और हमारे लिए जो दवाई होते हैं वो हमारे पास लेके आए। पिताजी आपसे निवेदन करती हूँ। अभी एक बात बोली थी धोबी जी ने, अंदर धोबी के अंदर भी ब्राह्मण का गुण बता दिया है, इसलिए बेचारा ये पागल ये धोबी अपने आप को ब्राह्मण कहने लगा है, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ओबीसी नाता है। जोरदार ताली बजाइए, कितनी व्यवस्था की है, कितना इसको जो है मोटिवेट किया, इसके इसको मानसिक गुलाम बना के रख दिया है। अरे पहले तू धोबी है, तू ब्राह्मण नहीं है, इसलिए अपनी बेटी की बात को सुन ले और क्या कह देना चाहती है बेटा, और क्या करेंगे? बस पिताजी मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कुष्ठ रोग से मुझे मुक्ति दिला दो, बस यही निवेदन है आपसे। आपकी जगह और बैठो, बैठो, कुछ नहीं है, तुम बैठो। अगर ये बात तुम्हें कही होती तो मैं कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं आपकी ये व्यक्ति मान लेता हूँ और संत रविदास जी की कुटिया में जाता हूँ। ठीक है पिताजी। हाथ जोड़े जल वचन सुना, कहाँ से आए हो बेटे? महाराज जी मैं बहुत कोसों मील दूर मांडूर गांव से आपकी कुटिया में आया हूँ। किस लिए आया हो बेटे? महाराज जी ऐसा सुना है कि आपकी कुटिया में हर एक बीमार का इलाज है, तो मेरे बेटे को भी एक भयंकर कुष्ठ नामक बीमारी हुई है, जिसका मैं आपके यहाँ पे इलाज लेने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे अगर हो आपके पास तो मुझे पानी पिला दीजिए। संत से धोबी बोला पिला दो संत। हेलो। हाँ बेटे, ये तो कितना गंदा पानी है। ना बेटा, ये ताजी पानी है। अरे नहीं साधु जी, इसमें तो बहुत बदबू भी आ रही है। ना बेटा, इसमें खुशबू आ रही है।
देखो तो महाराज जी, इसमें छोटे छोटे कीड़े भी हैं। अरे बेटे, तुझे पीना हो तो पी ले, घर को ले जाना हो तो घर को ले जा, यदि पानी को नहीं पीता तो मेरे पानी को वापस दे जा, मेरे पास तो सिर्फ यही पानी है, आपको पीना हो तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं महाराज जी, आप नाराज ना हो, मैं इस पानी को ग्रहण करता हूँ। ठीक है बेटे, कर लो। देखना ये धोबी की चतुराई, कहीं महात्मा नाराज ना हो जाए, कहीं महात्मा को बुरा ना लगे, तो देखना सांप भी मरेगा और लाठी भी ना टूटेगी। कितना गंदा पानी है, इसमें छोटे छोटे कीड़े भी दिख रहे हैं और कितनी बदबू आ रही है इसमें। आखिर मैं इस पानी को पीऊं तो पीऊं कैसे, अगर नहीं पीता हूं तो महाराज जी का अपमान होता है और पीने का तो मैं नाम ही नहीं ले सकता। आखिर करूं तो करूं क्या। हाँ एक तरीका है मेरे पास, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और महात्मा को पता भी नहीं चलेगा। मैं इस पानी को यहाँ कहीं पास में जाके फैला देता हूँ, जिससे महाराज जी को ये लगेगा कि ये पानी बच्चे ने ग्रहण कर दिया है। जी महाराज जी। ठीक है बेटा, तो आप अपने घर को जाइए और आपने पानी पी लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे दरवाजे से, मेरे घर से, मेरे द्वार से कोई नाराज होकर ना जाए, मेरा ऐसा सपना है, मेरा ऐसा कहना है। जो आज्ञा महाराज जी। धोबी लेना। अरे पिताजी आप आ गए। हाँ बेटी मैं आ गया। अरे पिताजी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हूँ। पिताजी क्या दवाई दी मेरे लिए? अरे बेटी दवा। हाँ पिताजी। आप दवा की बात करती हो, वो महाराज जी को तो ये भी नहीं आता कि मेहमान के साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए, और आप दवा की बात करती हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, इतना गंदा पानी दिया था जिसको मैंने पिया भी नहीं, जैसे तैसे अपना पारा छोड़ के पानी को फैला के आ गया। अरे पिताजी ये क्या कर दिया आपने? क्यों बेटी? अरे पिताजी ये तो बहुत बड़ी भूल कर दी आपने। पिताजी जो वो साधारण पानी नहीं था पिताजी, सुबोगला तूने हीरा, ए पिताजी तूने हीरा लुटा दियो तो। पिताजी जब मैं वहाँ आश्रम में गया था तो मैंने वहाँ
में पूरा पानी फैला दिया था, लेकिन ये मेरा लगता है बदबू दे रहा है उसी दिन से। ये मेरे आप गमछे को धो दो। ठीक है पिताजी। जब ये धो भी गया और इसने पानी बड़ी होशियारी से फैला दिया तो पानी नीचे से उचट करके और कुछ पानी की बूंदें इसके इस वस्त्र में समा गई। वही बूंदे जो रविदास ने दी थी पानी की। और इसने कहा कि मेरी बेटी अब इस गमछे को इस मेरी धोती को तू धो के डाल दे। अब ये लड़की जो कोड़न है ये जब पानी में धोती को निकालेगी तो वही चार बूंद जो धोती की में समाई थी उस पानी में विलीन हो जाएगी, मिल जाएगी। तब देखना उसी चार बूंद का कमाल, तब क्या होगा, इसका ये रोग ठीक होगा कि नहीं होगा ये देखना। तो कमाल हो गया पिताजी, देखो देखो पिताजी हम ठीक हो गए। अरे हाँ बेटी। अरे पिताजी ये क्या कर दिया आपने? पिताजी ये तो दवा थी हमें ठीक करने की। हाँ बेटी वास्तव में इससे तो आपको बहुत आराम मिल गया। देखिए पिताजी आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ये धोबी पछताने लगा और कहने लगा बेटी अब मैं भी रविदास के पास जाऊंगा और वही पानी में फिर से पी के आऊंगा और देख लेंगे चला है तो क्या इसको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देख लेंगे। अरे महाराज जी, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी खुश रहो। क्या बात हो, कैसे परेशान हो बेटे? महाराज महाराज प्यास लगी है, पानी दो ना। पानी? हाँ तो ठीक है मैं पानी देता हूँ। मेरी कुटिया में पानी रखा है, वहां से मैं भर के लाता हूँ। नहीं नहीं हमें कुटिया वाला पानी नहीं चाहिए। तो कैसा पानी चाहिए महाराज जी? हमें तो वही पानी चाहिए जो तुमने पहले दिया था। नहीं नहीं बेटे ये तुम्हारे लिए भूल है, वो पानी अब नहीं है, वो पानी पहले था। अच्छा तो अब वो पानी कहाँ मिलेगा? जा बेटा प्रिया पिताजी पानी है वो तो हो गई पूरण पानी है। आछे दिन पाछे गए तूने समय से कियो नहेत। आदमी समय से प्यार करे और समय को समय पे समझ ले वो सफल हो जाता है। आछे दिन पाछे गए और बेटा धोबी तूने समय पे कियो नहेत और अब पछताए हो तुका जब चिड़िया चुगे अपनी ली जो प्यास बुझा अपनी बिटिया के घर को आए और घर पे कहा देखो घर पे तालो डरो और बिटिया रविदास की कुटिया में बैठे। घर में लुटिया ना है बिटिया द्वार पे तालो पलक दिखाए भैया। ए बहन देखा क्या बहन आपने मेरी बेटी को? नहीं देखा भैया। आपने देखा भैया क्या? हाँ हाँ देखा है। कहाँ गई? कहाँ गई? ये सीधी चली गई है जहाँ रविदास रहते हैं उधर चली गई। इधर जाओ रविदास की कुटिया है ना? हाँ वही चली गई है, चले जाओ। इतनी बात सुन रहे धोबी ने फौरन कुटिया पहनो आए
अपने घर गया तो मुझे मेरी बेटी नजर नहीं आई। अच्छा, आपके घर में आपकी बेटी नहीं? हाँ महाराज। नहीं मिली? नहीं मिली महाराज। तो चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। क्या? हाँ, बुक अब मेरी चेलन बन चुकी है, शिष्य बन गई है। उसको इतना ज्ञान हो गया है, अब वो मेरी चेलन बन चुकी है, शिष्य बन गई है। तो मेरी भी आपसे एक एक अपील है। हाँ, कि जैसा कि मेरी बेटी को आपने शिष्य बना लिया, तो कहीं आपके दिल में छोटी सी जगह अगर आपके मेरे लिए। महाराज, इसकी माँ पहले मर गई, मेरा जीवन मेरी महाराज की। ये छोटा सा दृष्टांत।